अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात बेहद खराब हैं और इसे लेकर लगातार भारत सरकार की नजर वहां के हालात पर बनी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती वहां फंसे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाने की है, जिसको लेकर लगातार बड़े पैमाने पर बैठकें हो रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में इस पर मंथन किया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज हो गई है। तो सूत्रों की माने तो भारतीयों को लेकर आज भी एयरफोर्स का विमान आएगा और इससे पहले 148 लोगों को लेकर एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान 17 तारीख को जामनगर और हिंडन एयरबेस पहुंचा था और अब आज शाम एक बार फिर से काबुल से भारतीयों को लेकर विशेष विमान भारत पहुंचेगा। भारत सरकार ने वायुसेना के विमान को मिशन में लगाया है। सूत्रों का कहना है कि काबुल के अलावा और भी बाकी जगह फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। तो भारतीयों को लेकर आज विमान पहुंचेगा, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि तमाम भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाए। तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में स्थिति बेहद खराब है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद कई भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर के शैलेंद्र शुक्ला की है, जो काबुल के स्टील प्लांट में काम करते हैं, जिनके साथ गोरखपुर के 2 और युवक काबुल में फंसे हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर आजमगढ़ के मुबारकपुर की है, जहां रहने वाले धर्मेंद्र चौहान, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके साथ आसपास के करीब 28 लोग एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इन्हें एक कमरे में बंद कर इनका पासपोर्ट तक ले लिया। तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं महाराजगंज के जंग बहादुर की है, जो काबुल में फंसे हैं। वो पिछले 5 सालों से काबुल में खाना बनाने का काम करते थे। अब इन लोगों के परिजनों ने भारत सरकार से जल्द उन्हें वापस लाने की अपील की है। तो तमाम लोग जो कि भारत के वहां पर फंसे हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। परिजन भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें बुलाने की कवायद तेज कर दी जाए, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद से हर कोई चाहता है कि वो अपने मुल्क अब वापसी कर ले। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आज विशेष विमान से जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हैं उनको लाने की कवायद की जा सकती है। शाम तक हिंडन एयरबेस पर विशेष विमान पहुंच सकता है वायुसेना का। इस खबर में कितनी पुख्ता है ये खबर, और इसके अलावा कौन कौन से वो लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई लोग हैं जो वहां फंसे हुए और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है कि उनसे संपर्क हो पाया है, कैसे वो कैसे हैं, उनका कुछ उनकी सूचना कुछ मिल पाई है? देखिए, अगर बात करें वहां फंसे लोगों की, तो वो लगातार अपने परिजनों से बात भी कर रहे हैं और गुहार भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 200 जो भारतीय हैं, 200 भारतीय को लेकर ये विमान पहुंचेगा। पहले जामनगर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। C-17 ग्लोब मास्टर है ये, जो कि अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरेगा और उड़ान भरने के बाद जामनगर पहुंचेगा। जामनगर के बाद हिंडन एयरबेस पर आएगा, उसके बाद यहाँ से जो बाहर आने के बाद अपने अपने घर जाएंगे सभी लोग। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तराखंड के भी लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से ये लोग पहुँचते हैं। बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर लगातार इस समय जो तालिबानी है, तालिबानियों का लगातार वहाँ पर फायरिंग का मामला जारी है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। हालांकि इस ग्लोब मास्टर को कल ही आना था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये ग्लोब मास्टर आज पहुंचेगा, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है कि ग्लोब मास्टर आज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बताया ये जा रहा है कि आज पूरी पूरी उम्मीद है, और पूरी पूरी उम्मीद इस बात की है कि भारतीयों को, जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन भारतीयों को लेकर ये यहाँ हिंडन एयरबेस जरूर पहुँचेगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं और हमारी सरकारों ने जितने भी जो भारतीय हैं उनको लाने के लिए लगातार जो तैयारी की हुई है, वो इसी बात से दिख जाती है कि लगातार वहाँ हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर है वह जा रहा है, और जाने के बाद वहाँ से जो अपने भारतीय हैं उनको वापस लेकर आ रहा है। पहली खेप आई थी, अब दूसरी खेप आनी है। तो लगातार जिस तरीके से वहाँ 2000 भारतीय बताए जा रहे हैं, कि 2000 भारतीय, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि पुख्ता नहीं है कि 2000 भारतीय वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार लाने का सिलसिला जारी है। जो हालात है इस समय अफगानिस्तान के, वो किसी से छुपे नहीं है। वहाँ पर एक एक आदमी को लाना, जो अपने नागरिक हैं उनको लाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमारी जो सेना का जो विमान है C-17 ग्लोब मास्टर वहाँ पर जा रहा है, और पहुँचने के बाद वहाँ पर भारतीयों को लाने की पूरी तैयारी में है, पूरी कवायद में है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो काबुल एयरपोर्ट पर है।
क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग पहुंच पा रहे हैं बड़ी मुश्किल उन मुश्किलों के हालात हैं वहां पर कि वहां किस तरीके से जो भारतीय वहां पर पहुंच पाते हैं, वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें वापस यहां हिंदुस्तान लाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही पैदा हो जाती है कि अपने भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुँचाया कैसे जाए। काबुल एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद ही जो सेना का विमान है वो वहाँ से उड़ान भर सकता है। तो अभी तक की जानकारी में ये है कि आज एक बार फिर वो उड़ान भरेगा और उड़ान भरने के बाद हिंडन एयरबेस पे जरूर यहाँ पहुँचेगा, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है कि आज भी वो उड़ान भरेगा या नहीं भरेगा, क्योंकि उड़ान कल ही बताया गया था कि वह कल आएगा लेकिन कल नहीं आया। रात्रि की बात चल रही थी कि देर रात्रि में वहाँ से उड़ान भरेगा, लेकिन अभी तक भी मिनिस्ट्री ने कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं साझा की। बिल्कुल शक्ति दिक्कतें हैं, लेकिन भारत सरकार भी लगातार लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, और अब तक बहुत सारे लोगों को वापस भारत भी लेकर आई है सरकार। उम्मीद यही करते हैं कि इन लोगों को भी वापस लाया